जुनून 1994 में आया, बड़ा पॉपुलर टीवी शो था जो 5 साल तक दूरदर्शन पे आता था, जिसके 500 एपिसोड आए थे और उस समय का सबसे लंबा चलने वाला सीरियल था, जिसमें सुमेर राजवंश और आदित्य धनराज एक दूसरे की ढिल्लों में पूरी करते रहते थे। इसमें क्यूट सी दिखने वाली किट्टू गिडवानी भी थी। बजाय सीरियल की नहीं मूवी की कहानी सुना। सॉरी। तो जुनून 1992 में आई एक फिल्म थी जो कि महेश भट्ट द्वारा डायरेक्टेड इकलौती हॉरर मूवी थी। ये हॉलीवुड मूवी एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की रीमेक कह सकते हैं। इसमें आशिकी के सीधे से दिखने वाले चॉकलेटी बॉय राहुल रॉय ने कमीन से दिखने वाले कुरकुरे विक्रम का किरदार प्ले किया था। कमीन जो चांदनी रात में बिल्लोटा, अरे मेरा मतलब है शेर बन जाता है। शेर के ट्रांसफॉर्म होने का सीन अब भले ही हल्का लगे, पर कंसीडरिंग 1992 ये काफी अच्छा था, जो कि माइकल जैक्सन के थ्रिलर की स्पेशल इफेक्ट टीम ने बनाया था, जिसमें तकरीबन 60 लाख से ऊपर खर्चा आया था। ये राहुल राय की काफी फ्लॉप फिल्मों के बाद दूसरी हिट फिल्म थी। पहली फिल्म आशिकी भी महेश भट्ट के साथ थी, जिससे राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए थे। तो किट्टू गिडवानी, अरे मेरा मतलब है कुरकुरे राहुल की राय लेते हैं और शुरू करते हैं। तो एक शाउट आउट हमारे नए गोल्ड मेंबर रेबूत चोपड़ा जी के लिए। अगर आप लोग चाहें तो आप भी हमारे मेंबर प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम केवल एड रिव्यू के भरोसे ना रहे और आपको और भी बेहतरीन वीडियो भविष्य में बना के दे सके। धन्यवाद। तो फिल्म की शुरुआत में चांदनी रात में चांदनी चौक के दो छिले हुए मुर्गे चक्रम विक्रम चौहान और बेताल अरुण शिकार पे निकले हैं, और वट द इत्तेफाक से सुनसान जंगल के बीचों बीच ढाबा दिखता है और इनको लगती है भूख। चले कुछ खा लेते हैं, शुक्र है भूख तो लगी, तो रेत खा रहा हूं या हवा। और विक्रम इन तीनों छछुंदरों को इग्नोर मार के कड़ाई खड़का के पूछता है, ए भाई कोई है यहां पे? तो फटी थूत का भूतिया थोता भीम इसको धीरे बोल का इशारा करके खुद गुदा तक का जोर लगा के चिंगाड़ने लगता है। कछुना ही मिलेगा बाबू, कछुना, आज पूरन मासी की रात है, आज की रात कछुना ही मिलेगा। और विक्रम बेताल इसको, अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़े अंटी बजा रही बार बार घंटी, कुल्ला उगवा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले छलावन क्या बोल के निकल लेते हैं। अब रास्ते में उजले अंधेरे जंगल में इनकी जीप बंद हो जाती है। ये देखो द्वीपू और आए मरे खातिर। हाथी जंगली है क्या? हेलो। और विक्रम जीप खोलने की बजाय थूत खोल लेता है। ये गाड़ी उड़ने से पहले अक्सर रुक जाती है, कुछ नहीं होगा बाबू, तो अपनी लालटेन निकाल और उसे चला। और तभी एक और इत्तेफाक से इन्हें एक गुफा से डीजे पार्टी का बेस साउंड सुनाई देता है विद फ्लैश लाइट्स। और ये बेताल से लालटेन जलवा के खुद टॉर्च लेके गुफा में घुस जाते हैं, जहाँ इत्तेफाक से अरुण ठीक उसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ लिखी है शेर की भूतिया स्टोरी। होगा कुछ पुराने जमाने का, बोरिंग। बेटा एक राजा शेरनी से लेन देन करते हुए शेर के ले लेता है, और शेरनी राजा को ही शेर बनने का श्राप दे देती है, और हर पूर्णमासी उसी के साथ लेन देन करती है, और इसके बाद शेर की लेने वाला खुद शेर बन जाता है, और शेरनी को हर चांदनी रात में मोरनी बना देता है। और स्टोरी खत्म होते से ही इत्तेफाकन शेर भी वहाँ आ जाता है, जो खिलौना बना खलनायक बनके अरुण की बेताल तोड़ देता है। मर गया भैया। और पुराने जमाने का शेर विक्रम को टमाट मार के उसका नया जमाना फाड़ के गायब हो जाता है। होगा कुछ पुराने जमाने का, बोरिंग। अब बड़ी मुश्किल से ये अपना नया जमाना खसीड़ के बाहर लाता है कि गधे की तरह चिंगाड़ता हुआ थोता भीम आके इसके जमाने में लट कर देता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर बस्कर बेईमान आके इसे बचा लेता है। पागल हो गया तू, एक इंसान को जानवर की तरह मारता है। और हाथों हाथ इसे जंगल से 200-500 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लेके आता है, जहाँ कहीं कोई देसी ठहरा ना समझ ले इसलिए बोतलों पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है ड्रिप, और डॉक्टर कपड़ा हटाने की बजाय उसमें छेद करके इसका इलाज कर रहा था। अब ऐसे तो बंदे ने मर ही जाना था। अब आपने दीवारों के कान होते हैं सुना होगा, पर आज दीवार का लोमड़ा भी होता है देख लो, तो सुपर वॉल लाल लोमड़ा इसकी गोदाम में घुस जाता है, और इसे और साथ में नर्स को भी ऑर्गेज्म आ जाता है, और चक्रम ठीक हो जाता है, जहाँ रात में इसके बेताल दोस्त का भूत शेर की लव बाइट के साथ आ जाता है, लेकिन चक्रम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेताल चक्रम को बताता है कि अगली चांदनी रात को शेर की आत्मा तेरी गोदाम गर्म कर देगी, तो तू अभी मर के ठंडा हो जा।
पर चक्रम उसे कहता है कि अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और रात को इसे अपने भूतिया दोस्त का ब्लू फिल्म का फिल्टर लगा थोबड़ा शेर के साथ दिखता है तो इसे कब्ज हो जाती है और अगले दिन ये खाना ही खाता। इतनी बार कहूं मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर नीता आती है जो उसे बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती खाना खिलाती है। खाते हैं, खिलाओ अपने आप से। खबरदार जो ऐसा किया तो देखो मैं नहीं खाऊंगा, समझी? अरे मदरचोद, चखने में फल वगैरह काट के देती है और जब नर्स इसकी मुंड में टीका लगाती है तो ये इसे अपने अरे मेरा मतलब है सहारा देती है। रात में इसके साथ शतरंज खेलती है लेकिन इस रानी को देख के चक्रम राजा का वजीर खड़ा हो जाता है। ये होगा मेरा असली शिकार। तो ये है डॉक्टर नीता, इसकी माँ का काम है चिल्लाना, अच्छे तो मेरे पिताजी भी हैं, लेकिन उससे क्या होता है, और बाप का काम है चिल करना। ये दिन देखने से पहले राजू तलाक मार क्यों नहीं जाता है? अब जैसा हमेशा होता है इसका भी एक नल्ला छपरी बेरोजगार बॉयफ्रेंड है रवि, जो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का झाट सपना सजाए हुए है। म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, बहुत साल से सुन रही हूं। ये लड़की घुमाने 20-50 रुपए भी अपने गरीब दोस्त विधि से लेता रहता है। मैंने नीता के साथ सारा दिन घूमने का प्रोग्राम बनाया और तू तो जाने कितने पैसे चाहिए। खाने तक को पैसा नहीं है और बड़े होटल में ले जाके पेस्ट्री का केक कटवा के बंदी का ही काटता रहता है। उस नामकुल से तेरा मेजर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता नहीं कैसे ये नल्ला बेरोजगार और उसका गरीब बेदी दोस्त बड़े से म्यूजियम टाइप के घर में रहते हैं जहाँ झूमर भी इसके गोटो और औकात की तरह नीचे लटका हुआ है। खैर मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो विक्रम जो डॉक्टर नीता पे पूरी तरह गीला हो चुका है क्योंकि किसी ने पहली बार इस तरह मुझ पर हाथ जमा के खाना खिलाया है, उसके साथ हाथ पीला करवाने उसके घर आता है। लेकिन नीता भट्ट रवि भट्ट के पास 24 घंटे में शादी करने का अल्टीमेटम देती है और ऑब्वियसली इसके पास पैसा नहीं है तो इसका बेदी दोस्त लुंगी पहन के इनकी मदद करने को बोलता है। तो छपरी रवि उसकी बॉडी शेमिंग कर देता है। अबे मोटू। क्या बोला तूने? उधर विक्रम नीता की महक सूंघता हुआ म्यूजियम के बाहर आके खड़ा हो जाता है जहाँ इत्तेफाक से टकपुंजी रवि के लिए टेलीग्राम आता है। और पता चलता है कि विनोदी स्वभाव के रवि का बाप सीरियस है और ये हाथों हाथ पुणे के लिए निकलता है और इसने अभी तक रवि को भी नहीं देखा, उसके बाप को तो देखना दूर की बात है, और ये आराम से उसके बाप को ढूंढ के मार देता है। और अगले दिन रवि को नया टेलीग्राम मिलता है, और वो बंदी के साथ भगना कैंसिल करके पुणे भाग लेता है। और बेदी भट्ट को बताने जा रहा होता है तो विक्रम कार से इसकी किंतु परंतु भट्ट तोड़ देता है। अब सारा दिन वेट करके नीता का प्यार बिना वेट किए फुर हो जाता है और वो विक्रम से शादी के लिए मान जाती है। विक्रम से शादी करने को तैयार हो। और इधर जब रवि वापस आता है तो मुंह पे मूछ रखे पनवाड़ी इसे उनकी शादी का कार्ड देता है और जैसा बॉलीवुड में होता है ये उधार का ठर्रा चढ़ा के इनकी शादी पार्टी में गम के गंडीले आंसू निकालता है। अब इस भोंदू ने शादी भी पूरन मासी की रात में की है तो सुहागरा तो मनाने से रहा, अब ये टॉयलेट में बैठ के ऐसे वाजे निकालता है कि जैसे कब्ज का लट्ठा गले तक फंस गया हो और फिर बहाना बना के बाहर निकल जाता है जहाँ 12 बजते ही शेर का भूत इसकी गोदाम से बाहर आने लगता है। पहले चरण में ये 5 किलो फाउंडेशन लगाया हुआ ड्रैकुला बनता है, दूसरे चरण में इसके हाथों में भटूरे फूलने लगते हैं और थूत में से प्लास्टिक के दांत और तिनके निकलते हैं, कान की शेप ऐसे चेंज होती है जैसे कोई पापड़ भून रहा हो, और ये एकदम से घिनौने से खिलौने शेर में बदल जाता है और तीसरे चरण में चिंगारता हुआ खिलौना आखिर बाघ बन जाता है। यहाँ रात के 12 बजे चबूतरी कमला स्विमिंग पूल में अपना कमला गीला कर रही होती है तो शेर इस कमला की पसंद खोल के पीक खंबे पे थूक देता है और किसी बाथरूम में नग्नावस्था में पड़ा होता है और जगते ही अपनी खूनी फैंटेसी के स्वाद लेने लगता है। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर भास्कर बेईमान जो जंगल के साथ साथ पुलिस का भी काम देखता है वो शेर के नकली पंजों के नकली निशान देख के देखता है कि विक्रम भी उसे देख रहा है। ये देख दिखाई करके विक्रम अपने कमरे में आता है और 2 रुपए की झूठी कहानी सुना के बस इतना याद है, फिर मैं बाहर निकल गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नीता को उसके मायके छोड़ने बोलता है और ये मान जाती है कि इससे कुछ होना जाना है नहीं, घर ही चल चलो। अब इसके घर पहुंचते ही पहले ये ठरकी गेंगुला रवि वहां आ जाता है और गेंगुली नीता अपने पति विक्रम चौहान का सरनेम चौहान भूल के जौहर कहती है। अब मैं विक्रम चौहान की बीवी हूं। कैसी जीव लगा और इसे भगने को कहती है। और थोड़ी देर बाद भास्कर बेईमान भी थोते भीम के साथ वहाँ आ जाता है और नीता को तेरा पति शेर है बताता है। आपके पति शेर का रूप धारण कर लेता है। और नीता कहती है कि यस ही इज टाइगर इन बेड। और इन दोनों को भी भगने कहती है जहाँ थोते भीम की बुंड में फिर होइंगा होइंगा का दौरा पड़ जाता है। इधर विक्रम होटल में एक बिल्ली को पटा के उसके साथ अपनी शैतानी हवस का नंगा नाच करता है। कौन के
जिसे देख के एक बार को तो ये चीचा भी लिबरा जाते हैं। किसी एक का तो हो रे भोले, किसी एक का तो हो। और विक्रम बाथरूम्स की तरफ निकल लेता है और गीली बिल्ली उसके पीछे पीछे आ जाती है जहाँ ये शेर बन चुका है और इसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुन के और गजम लेने लगती है। और जैसे ही दरवाजा खुलती है शेर गिलगिली बिल्ली का टोमेटो सॉस निकाल देता है। उधर बस्कर बेईमान बस ही नहीं करता, पहले नीता के पास जाके दुत्कारा जाता है। फिर बेदी के पास जाके रवि का पता पूछता है। अरे यार मुझे क्या मालूम रवि कहाँ है? अरे होगा किसी रिकॉर्डिंग थिएटर में यार, जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल? हाँ। और उधर नीता से रहा नहीं जाता और वो ऑर्गेज्म के लिए जान पे खेल के इसके सामने नृत्य प्रदर्शन करती है, जिसे देख के पूरण मासी की ऐसी की तैसी ये हाथों हाथ शेर बनने लगता है। और जैसा कि नीता ने कहा था, विक्रम टाइगर इन बेड बन जाता है। और जैसे ही भक्के बाहर आती है, तीनों चबूतरे वहाँ एंड टाइम पे इत्तेफाक से आ जाते हैं। अब शेर अंदर कमरे में बंद है और ये जड़ बुद्धि वहाँ से भागने की बजाय चारों तरफ आग लगा लेते हैं। और रवि पूछता है, तो हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तब तुम लोग पहुँचना। जड़ बुद्धि बस्कर कार स्टार्ट करने जाता है और भूतिया शेर कार के अंदर प्रकट होके बस्कर को घसकर बाहर लाता है और आग देख के भाग लेता है। अब ये पुलिस के पास पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर गिल वैलिड क्वेश्चन उठा के रवि की गिल गिली कर देता है। क्या मैंने जानता कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? एक शादीशुदा औरत के घर आती रात को, उसके पति की गैराज में आप क्या करने गए थे? मैं पूछता हूं क्या करने गए थे आप? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। और ये तीनों जंगल में टॉम के पास पहुंचते हैं जो इन्हें एक अल्टरनेट देता है। किताब के मुताबिक हमारे पहाड़ की किसी छुपी हुई गुफा में, इन गुफाओं में किसी देवी का खंजर है। उस खंजर से अगर उसकी नाभि में वार किया जाए तो भी उस शैतान का और उस श्राप का अंत हो सकता है। और किताब का स्क्रीनशॉट फाड़ के उन्हें दे देता है और ये तीनों निकल लेते हैं जहाँ टॉम अल्टर इन्हें ऐसे विदा कर रहा है जैसे ये लोग मायके से ससुराल जा रहे हो। अभी ससुराल विक्रम वहाँ आ जाता है, टॉम उसको गोली मारता है पर टाइगर पावर उसकी चोट के साथ कमीज में भी रफू कर देती है और विक्रम टॉम का अल्टर दरवाजा बंद करके उधेड़ देता है। इधर रवि धोता भीम जो कुत्ते की तरह कार से दूध बाहर निकाल के बैठा है उसको लेके गुफा में पहुंचता है और धोते भीम की लुप लुप हो जाती है। और ये दोनों अंदर पहुंचते हैं जहां 40-50 खंजर देख के ये बंदर ढीला पड़ जाता है। पर इधर थोता भीम बाहर निकल के आता है जहाँ विक्रम को देख के इसकी लुपलुपाती गुदा फटके चार हो जाती है और उसके नाक मुंह यहाँ वहाँ से केचप निकलने लगता है और विक्रम इससे दोनों के बारे में पूछ के लात मार के आखिर इस थोते भीम की थूतनी बंद कर देता है। अब ये नहीं कि हाथों हाथ जाके पेल दे, ये भोंदू वेयर शेर भी रात होने का वेट करता है और जैसे ही सही खंजर इस बंदर को मिलता है तभी अपनी गोदाम उठा के वहाँ आता है और रवि को खंजर देने बोलता है पर रवि खंजर देने की बजाय फेंक देता है तो विक्रम नीता को पत्थर पे पटक के खंजर लेने जाता है लेकिन रवि इसके सर पे घंटा बजा देता है और विक्रम की सुलग जाती है और वो कराटे मार के तो कराटे मारता है फिर ढकार मार के इस बेकार आदमी की गोदाम पेल देता है और ये फटी में खंजर गिरा देता है और विक्रम फिर फाउंडेशन लगा के ड्रैकुला से शेर बन ही रहा होता है कि नीता जो कायदे से इसका पति है इसको मरवाने के लिए अपने प्रेमी को चिल्ला के कहती है और रवि विक्रम की नाभि में चाकू घुसेड़ के इसकी गैस निकाल देता है और चक्रम शेर का जुनून अपने नकारा नुन्नू के साथ मारा जाता है और नकारा रवि की अब नीता और मौज दोनों हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ये कहानी किसी पागल की बनाई हुई कहानी है।